हेलो एवरीवन, इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो नए फॉन्ट डाउनलोड करेंगे और उसे इंस्टॉल करेंगे फोटोशॉप में। तो उसे डाउनलोड करने के लिए मैं यहाँ पर fontsquirrel.com पे आता हूँ। तो आप यहाँ पर फॉन्ट डाउनलोड कर सकते या फिर आप thefont.com करके एक वेबसाइट है, इन दोनों वेबसाइट्स में जा कर के यूजली मैं फॉन्ट डाउनलोड करता हूँ। तो फॉन्ट स्क्विरल में मैं यहाँ पर एक फॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे यहाँ मिल नहीं रहा है, तो मैं सर्च करता हूँ रियल वी। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ आप अवेलेबल है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे टाइप के फॉन्ट अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर से फ़िल्टर कर सकते हो या फिर आप सर्च कर सकते हो ऑलरेडी आपका नाम अगर आपको यहाँ पर पता है तो। तो अभी मैं इस पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ और अपने डेस्कटॉप में मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो जब तक ये सेव हो रहा है तो मैं इधर फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में आता हूँ और यहाँ पर आकर के मैं सर्च करता हूँ रेलवे। तो अब देखोगे कि रेलवे यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ओके ठीक है, अभी डाउनलोड हो चुका है। तो मैं डेस्कटॉप में आता हूँ और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर रेलवे फोल्डर अवेलेबल है। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इसे एक्सट्रैक्ट करता हूँ यहाँ पर क्रिएट। तो आप देखोगे काफ़ी सारे फॉन्ट यहाँ अवेलेबल हैं, तो मैं इन सबको एक नए फोल्डर में डाल देता हूँ। ये करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पर सारे फॉन्ट अवेलेबल हैं। तो अभी मैं सारे फॉन्ट को सेलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक सेलेक्ट करके मैं सेलेक्ट करता हूँ इंस्टॉल। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं सारे फॉन्ट यहाँ पर अब इस सिस्टम में अवेलेबल हैं। तो मैं इधर फोटोशॉप में जाता हूँ और इधर अब मैं सेलेक्ट करता हूँ रेलवे। तो आप देखोगे कि वो सारे फॉन्ट यहाँ पर अवेलेबल है जो पहले हमें यहाँ नहीं नज़र आ रहे थे। तो मैं इसे कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ और इसे अपने वेबसाइट में आप यूज़ कर सकते हो, तो इसे आप फोटोशॉप में यूज़ कर सकते हो। तो यही फॉन्ट किसी और सॉफ्टवेयर में भी अवेलेबल रहेंगे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में भी आपको ये फॉन्ट यहाँ पर मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इन वेबसाइट्स में जाकर के फॉन्ट स्क्विरल या thefont.com में आकर के फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हो और इसे यूज़ कर सकते हो अपने फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में।